हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2018 के एग्जामिनेशन की इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में। देखिए दोस्तों, इस बार जो है आपके इकोनॉमिक से जो है 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे। इससे पहले जो साल थे, जैसे आपका 2017 में 2016 में, उस टाइम पर क्या है आपका बजट से या इकोनॉमिक सर्वे से जो है बेसिकली क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है कोर जो इन्होंने इकोनॉमिक्स जो है उससे क्वेश्चन पूछे थे। और जो ये क्वेश्चन थे ये डायरेक्टली जो है 2-3 क्वेश्चन इनमें से 5 में से जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और 2 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से पूछे गए थे। ठीक है, तो हम इन्हीं क्वेश्चंस का जो है एनालिसिस करेंगे वो कहाँ कहाँ से जो है आपसे पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था वो था द नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम पीआई इज डिफाइंड एज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली पूछा गया था पर्सनल इनकम है वो क्या होती है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने यहाँ पे आप जब चेक करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की बुक है। बेसिकली 2 बुक्स हैं 12th क्लास में, एक आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इनमें से जो है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें जब आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द फर्म्स। ठीक है, तो इसमें जब ऑप्शन सर्च करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉरपोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नीचे वाली स्टेटमेंट में जो है थोड़े थोड़े चेंजेस इन्होंने किया, जैसे इसमें नेट पे इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड ये वाली जो है इसमें लाइन नहीं लिखी है, इसे नीचे वाले में एक लिखी है तो फाइनल वाली नहीं लिखी होगी। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी जो है एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। आपका क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के अनुसार जो है नैरो मनी वो क्या होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका सीयू प्लस डीडी, दूसरा ऑप्शन है सीयू प्लस डीडी प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। उसके बाद ये 2 ऑप्शन और इनमें दिए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्टेटमेंट सीधा पिकअप नहीं की गई है, इसमें थोड़ा सा आपका माइंड लगेगा। अगर आपने वो चीज़ पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते थे। और इस बार के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी आपके 5 क्वेश्चन थे, तो मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट ने मतलब इतने अच्छे से जो है इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, क्योंकि बेसिकली पिछले सालों में जो है इकोनॉमिक्स पूछी नहीं जाती थी, तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपका जो है ठीक हुआ होगा एग्जैक्ट, वो भी नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जब आप जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है आपकी, सेम बुक है, पेज नंबर 38 पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लीगल डेफिनेशन दी है नैरो एंड ब्रॉड मनी की। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 चीज़ें बताएं, जैसे M1 M2 है। M1 होता है आपका CU प्लस DD। ठीक है, M2 है आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ओके, तो अब इसमें देख लीजिए M1 और M2 क्या है। तो M1 एंड M2 आर नोन एज द नैरो मनी। ओके, तो अब इसमें देखिए इन्होंने पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइंस नैरो मनी एज। ठीक है, अब M1 और M2 दोनों ही आपका नैरो मनी है। ठीक है, तो M2 जो है M1 का प्लस आपका क्या है, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, इसमें यहाँ पे M1 भी आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं M2 को, M2 इज इक्वल टू CU प्लस DD प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ओके, तो ये आपका हो गया M2। अब M2 क्या था, यहाँ पे नैरो मनी था। तो ऑप्शन में अगर मैं सर्च करूँ जैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नैरो मनी के ऑप्शन अलग अलग इन्होंने दिए हुए हैं। वन सेकेंड, CU, यहाँ पे CU क्या होता है आपका, करेंसी नोट्स प्लस कॉइन होता है। DD होता है आपका नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो नैरो मनी सिर्फ ये नहीं होता है, तो आपका ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सेकेंड है आपका CU प्लस DD प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तीसरी स्टेटमेंट है CU प्लस DD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। जी नहीं, ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। देन आपका CU प्लस DD प्लस नेट डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये भी गलत है। तो आपके एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, CU प्लस DD सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे नीचे निकाला था M2। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पेज नंबर 38 से जो है पूछा गया है। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये थर्ड चैप्टर से ही इसका जो कंसेप्ट है वो आया। बेसिकली मल्टीप्लायर विल बी लोअर विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें जो है अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर मे बी बी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं इन्फॉर्मेशन है।
तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आया है, बेसिकली आपका कंसेप्ट इसका एनसीईआरटी के बेस पे ही है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एनालिटिकल टाइप क्वेश्चन था कि मल्टीप्लायर जब कम होंगे तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या हो, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। तो इस तरह का बेसिकली क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये फोर्थ चैप्टर और थर्ड चैप्टर इन दोनों में से किसी एक चैप्टर में से है, ठीक है, ये आप सर्च कर लेना एक बार। उसके बाद दो क्वेश्चन पूछे गए थे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट कंट्रीज चाइना स्पेन इंडिया एंड रशिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अबव कंट्री इन टर्म्स ऑफ द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर टू ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये बेसिकली आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें थोड़ा सा डाउट सा है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो ये है, इफ़ द फार्मर लोन्स आर वेव्ड इन इंडिया हाउ विल इट अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये अलग अलग चार ऑप्शन आपके दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि फार्मर लोन को हम अगर माफ़ कर देंगे तो उसमें एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमिक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी आपका बेसिकली करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, और जो कि आप जो है अगर करंट अफेयर आपने रेगुलर पढ़ा होगा तो आप इसे सोल्व कर सकते थे। तो कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर जो है कई लोगों ने इसका 1, 2, 3, 4 भी बताया, कई लोगों ने 1 और 2 भी बताया, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस था इकोनॉमिक सेक्शन के बारे में। तो देखिए इकोनॉमिक्स अब आपको पता चल गया है कि इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आप ये दो बुक्स जरूर पढ़ के जाएं इकोनॉमिक्स के लिए, और जल्दी ही हमारा जो है पार्ट टू वीडियो जो हमने आपको बताया था वो आने वाला है अभी, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए आप लोग। उसके बाद क्या बोलते हैं, आपकी जो आंसर जो आपका ये रिज़ल्ट इसका आएगा वो 2 महीने बाद आपका आने वाला है, काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था। ऑलमोस्ट आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।